You can't make a film like this, a super hit film, without the audience's participation. You see, कोई आजकल ये वही audience है जो बहुत सारी फिल्में देखने नहीं जाती हैं, because उनको भी reality देखना ज़रूरी है. I'm very very happy that such films which are closer to reality. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर. तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अनुपम खेर का रिएक्शन बस्तर फिल्म पर. तो इसलिए दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और साथ ही साथ दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. तो दोस्तों आपको बता दें आज के दिन यानी कि 15 मार्च को अदा शर्मा की न्यू फिल्म बस्तर रिलीज कर दी जा चुकी है, जो कि बहुत ही कमाल की है. क्योंकि दोस्तों इस फिल्म से रिलेटेड जितने भी रिव्यूज़ आ रहे हैं, जितने भी रेटिंग्स आ रहे हैं पब्लिक की तरफ से, वो सभी के सभी पॉजिटिव आ रहे हैं. दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म में हमें अदा शर्मा के साथ इंद्रा तिवारी, विजय कृष्णा, यशपाल शर्मा, रायमा सिंह, शिल्पा शुक्ला आदि देखने को मिले हैं. वहीं दोस्तों इस फिल्म के डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर है विपुल अमृतलाल. तो चलिए दोस्तों अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि आखिरकार अनुपम खेर ने इस फिल्म के बारे में क्या कहा है. तो दोस्तों आपको बता दें अनुपम खेर ने कहा कि जब मैंने ये फिल्म देखी तो मेरी आंखों से आंसू आ गए, क्योंकि इस फिल्म में जिस हिसाब से एक्टिंग की है अदा शर्मा ने, वो लाजवाब है, काबिले तारीफ है. इस फिल्म में जितने भी एक्टर है सभी ने बखूबी 100% दिया अपनी एक्टिंग में. और मैं सच बताऊं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि द स्टोरी के बाद अदा शर्मा की यह अगली ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित होगी. और मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं हर भारतीय से कि वो इस फिल्म को सपोर्ट करे ताकि ये फिल्म बड़े बड़े रिकॉर्ड्स ब्रेक करे. तो दोस्तों इतना कह करके अनुपम खेर ने अपनी बात खत्म कर दी थी. अब आप लोग हमें कमेंट करके बताओ कि आप लोगों का क्या है कहना अनुपम खेर के इस स्टेटमेंट पर. आज की इस वीडियो में दोस्तों इतने मिलने के लिए वीडियो में धन्यवाद.